शिक्षक अभ्यर्थियों का एक जग जो होता है हम लोग का आंदोलन, वो आंदोलन का मांग पिछले एक महीने से लगभग कहिए तो जब से ख़त्म हुआ है 13 दिसंबर के बाद, कुछ दिनों के बाद से ही मांग उठने लगा था कि आप लोग आंदोलन कीजिए, हम लोग साथ हैं, हम लोग साथ हैं, आप लोग आंदोलन कीजिए। बिहार में लगातार सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है, जिसको देखते हुए एक बार फिर से अभ्यर्थी जो है आंदोलन करने जा रहे हैं 10 तारीख 11 तारीख और 12 तारीख। बता दें आपको, यह जो आंदोलन है वो पटना की सड़कों पर होगा, तो वहीं तमाम अभ्यर्थियों को जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी है उन्होंने संदेश दिया है। नितेश क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। नमस्कार दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थियों का एक जग जो होता है हम लोग का आंदोलन, वो आंदोलन का मांग पिछले एक महीने से लगभग कहिए तो जब से ख़त्म हुआ है 13 दिसंबर के बाद, कुछ दिनों के बाद से ही मांग उठने लगा था कि आप लोग आंदोलन कीजिए, हम लोग साथ हैं, हम लोग साथ हैं, आप लोग आंदोलन कीजिए। कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, हर जगह शिक्षक अभ्यर्थी जो है प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, एकमात्र मांग कर रहे हैं कि 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली जब तक नहीं आ जाती है तब तक आंदोलन बीच बीच में होता रहना चाहिए। और यही सब चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने, पूरे बिहार के जो भी सक्रिय सदस्य हैं उन लोगों ने सोचा है कि फरवरी में आंदोलन का डेट जारी कर दिया जाए, और डेट को जारी कर दिया गया है साथियों। वो डेट है 10, 11, 12 फरवरी। इस डेट को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसके पीछे कारण भी है। सीटेट का परीक्षा जो है, क्योंकि पिछले जो साथी हैं जो पास कर चुके हैं उन लोगों ने भी फॉर्म डाला था और वो लोग भी परीक्षा दे रहे हैं सीटेट का, तो उन लोग का भी 7 तारीख तक फरवरी में परीक्षा ख़त्म हो जाएगा, वो लोग भी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने डेट जारी ही कर दिया और सब कोई इस 3 दिवसीय आंदोलन में आकर के शामिल हो और आकर के अपना भूमिका निभाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये आंदोलन लगातार हम लोग का हर 10 या 15 दिन पर 3 दिवसीय आंदोलन होगा, ताकि सरकार पर कानों पर जू रेंगाते रहें हम लोग। जू रेंगता नहीं है लेकिन रेंगाते रहें हम लोग। पिछले आंदोलन जो हुए लगातार हुए उसमें हम लोग को दिक्कत ये हुआ, हम लोग इसलिए भी लगातार आंदोलन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लगातार आंदोलन में लोग जुट नहीं पाते हैं, 5-10 लोग को बैठना पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि 3 ही दिन आंदोलन करें, लेकिन भीड़ के साथ आंदोलन करें, जोरदार आंदोलन करें कि संख्या बल दिखे। तो चलिए साथियों, आप लोग तैयारी में लग जाइए। ये वीडियो अगर आपको लगता है, शिक्षक अभ्यर्थियों को लगता है, सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों को लगता है कि ये वीडियो कारगर है, ज़रूरी है, तो हर जगह इस वीडियो को शेयर करें और सबको बताएं कि आंदोलन का डेट जारी हो गया है। क्योंकि जब तक आप लोग जागरूकता नहीं फैलाइएगा, वीडियो नहीं शेयर कीजिएगा, नहीं बताइएगा सब कोई को, तब तक नहीं पता चलेगा कि आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है। और आप सभी साथी अभी से ही कमर कस ले, अपना सारा काम निपटा लें और उन 10, 11, 12 तारीख के जो आंदोलन है उसमें जोरदार समर्थन करें। सभी लोग आएँ, स्त्री पुरुष जो भी हैं वो सब लोग आएँ, क्योंकि आना बहुत ज़रूरी है, खास करके स्त्रियों का आना जरूरी है, महिला साथियों का आना जरूरी है, क्योंकि पिछले आप लोगों ने बहुत दिन आप लोगों ने घर पर बैठे मजा लिया, अब 3 दिन का समय दीजिए, आप लोग आंदोलन में आइए और जोरदार समर्थन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे हम लोग ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी नितेश थे। नितेश का यह साफ कहना था कि तमाम साथी महिला पुरुष जो भी हैं वो जो बढ़ चढ़ कर है वो हिस्सा ले, तो वहीं बहाली की मांग करें, अगर बहाली की मांग नहीं करेंगे तो मांग पूरा नहीं होगा, बहाली नहीं होगी। बता दें आपको कि अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है, कई बार लाठीचार्ज भी हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।